Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और खास करके अखिलेश यादव के काफी करीबे प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और अपने नेताओं को लेकर बात की है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो अब गर्मा गई है। और चाचा शिवपाल यादव जो अखिलेश यादव के हैं, उन्होंने राम गोपाल यादव और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साध दिया है। दरअसल बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ से समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव की मुलाकात पर उनके बड़े भाई शिवपाल यादव ने निशाना साध दिया है। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने कहा कि राम गोपाल यादव ने सीएम योगी से मिलने पर आजम खान, नाहिद हसन आदि कार्यकर्ताओं के मामले में आखिरकार सवाल क्यों नहीं उठाए। शिवपाल यादव ने लिखा है कि न्याय की यह लड़ाई अधूरी क्यों है। आजम खान साहब, नाहिद हसन, सहजल इस्लाम और अन्य कार्यकर्ताओं के लिए क्यों नहीं। वहीं बात करें तो राम गोपाल यादव, आपको पता होगा कि सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने उनके आवास पर गए थे। बाद में सामने आया था कि राम गोपाल यादव ने पूर्व विधायक रामेश्वर यादव और उनके भाई जोगेंद्र सिंह यादव का मामला सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने उठाया था। कहा गया था कि सपा के इन कार्यकर्ताओं और उनके परिवार को बिना बात प्रताड़ित किया जा रहा है और सीएम से आग्रह किया गया था कि ऐसा ना किया जाए। पूर्व विधायक रामेश्वर यादव और उनके परिवार पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। जो जोगेंद्र सिंह, जो कि रामेश्वर यादव के भाई हैं, उनकी पत्नी और खुद उन पर भी कई दर्जन मुकदमे पहले से दर्ज हैं। योगी सरकार के गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इस परिवार का कार्रवाई हुई है। इस परिवार ने पुलिस कार्यवाही से बचाने के लिए गुहार राम गोपाल यादव से लगाई थी और रामेश्वर यादव राम गोपाल यादव के करीबी माने जाते हैं और हाल ही में रामेश्वर के जमीन पर सरकार का बुलडोजर भी चला था। समाजवादी पार्टी के नेता ने कही थी अलग बात। राम गोपाल की मुलाकात पर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया था, इसमें मुसलमानों के लिए आवाज उठाने की बात कही गई थी और रामेश्वर यादव का भी जिक्र नहीं था। ट्वीट में लिखा गया था कि आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की। प्रदेश भर में पिछड़ों और मुसलमानों के एक तरफा अर्जी मुकदमे दर्ज कर उनके उत्पीड़न के संदर्भ में बात हुई। आगे लिखा था कि सरकार फर्जी मुकदमे वापस ले। तो इस तरीके से अब जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाचा यानी कि राम गोपाल और शिवपाल यादव के साथ अखिलेश यादव को मिलकर जो है जबरदस्त तरीके की फाइटिंग नजर आ रही है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? क्या सच में समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की आवाज नहीं उठा रही है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.